हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर एमएस वर्ड के अंदर कोई फाउंट आपको चाहिए और आप उसको कैसे डाउनलोड करके उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मुझे एक फाउंट है मेट्रोपोलिसिस और रेगुलर। तो यहाँ से देखें, मैं ड्रॉप डाउन जब करता हूँ तो ये देखें, एम में जाएंगे हम, तो यहाँ पर मुझे कोई मेट्रोपोलिसिस रेगुलर के नाम से कोई फाउंट नहीं मिल रहा। तो अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर हम 1001founts.com का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये है मेट्रोपोलिसिस रेगुलर। कोई भी फाउंट आप जो है सर्च करना चाहें तो यहाँ पर उसका नाम लिखकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये फ्री फाउंट्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मेट्रोपोलिसिस रेगुलर हमें चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसके राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इसको शो इन फोल्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो ये मेट्रोपोलिसिस यहाँ पर देखें, ये रेगुलर आ गया है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो इसको आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको बंद कर दें। इसको बंद करके रीस्टार्ट करें वर्ड को। तो यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट करते हैं वर्ड को, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये मेट्रोपोलिसिस आया कि नहीं आया। तो दोबारा हम एम में जाके देखते हैं। ये देखें जी, ये मेट्रोपोलिसिस के नाम से ये फाउंड यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसे यहाँ से मेट्रोपोलिसिस के अंदर जाएं, तो ये वाला फाउंट अब आप देखें, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई सा भी फाउंट भी 101found.com से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कोई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।